आई माशाल्लाह। कुर्बान जाओ मैं अपने बच्चे पे, हमेशा मानता है माँ की बात। जी मॉम, जैसे आप मेरे लिए बड़ा ऑप्शन छोड़ती हैं। कंपनी में इतने सारे काम पड़े हैं जो मुझे करने हैं और मैं यहाँ ये सब करता फिर रहा। ओजान जरा बात सुनो, मेरी कहाँ जा रहे हो? रुको एक मिनट रुको। जी कहिए। तुम्हारी वजह से 2 दिन पहले मैं मरने वाली थी, याद है ना तुमको? बेटा बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे, क्यों नहीं समझते ये सब जरूरी है तुम्हारे लिए? ठीक है मॉम, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो, घर पे हूँ मैं। क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। ओके। क्या हुआ ओजान? देखो कोई बुरी खबर मत सुनाना आप। मॉम मुझे भी कोई शौक नहीं है, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, शाम को आ जाऊंगा। और प्लीज उल्टी सीधी बातों के लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा। फूल तो बड़े प्यारे हैं। डिनर रात 8 बजे है, और मैं ये भी बता दूं कि मैंने अपने लिए कटलरी सेट का ऑर्डर दिया है। जब बिल आप तक पहुंचे तो हैरान मत होइएगा। अच्छा, हाँ बेटा कहो। आलिया साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम? मैंने सुना है सनम की फैमिली आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। और मेरे ख्याल से आप उनके लिए कोई दावत का भी प्लान कर रही हैं ना? हाँ कर रही हूँ। आपने मुझे डिनर पे इनवाइट करने के बारे में नहीं सोचा? अरे सीमा, मैं तुम्हें भला डिनर पे क्यों बुलाऊंगी? You know, ये तो दो फैमिलीज का डिनर है बस। चलो बहुत काम है मुझे, बाय। आलिया साहिबा, फोन बंद कर दिया। अब आप देखिएगा आलिया साहिबा, मेरा फोन बंद करने का क्या नतीजा होता है। सलाम अलैकुम। आ गया। वालेकुम सलाम। देखिए, मुझे महमत ने आपका मसला फोन पर अच्छी तरह बता दिया है। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज काम को अधूरा मत छोड़िए। आप बता सकते हैं कि पैसे कब मिलेंगे ओजान साहब? अगले हफ्ते। ये बात तो हम हर हफ्ते ही सुन रहे हैं, मैडम ने भी पिछले हफ्ते यही कहा था। उनकी बात मत कीजिए प्लीज, मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ। क्या आखिर तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारी इन बातों की हमारे पास कोई अहमियत नहीं। देखिए आप गलत बात कर रहे हैं भाई, पहले तुम हमारे लिए पैसे अरेंज करो, उसके बाद ही हम काम शुरू करेंगे। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना भाई? उधर के लिए ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, काम पूरा हो जाए उसके बाद आप चले जाइए, लेकिन इस तरह से बीच में मत छोड़ के जाए काम को, ये अच्छी बात नहीं होती है, समझ रहे ना मेरी बात? कुछ ही दिनों मेरे भाइयों, एक मिनट सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ आप लोगों ने हमेशा मुझे बॉस का बिगड़ा हुआ बेटा समझा है, इसलिए मेरे बारे में आप सबकी सोच बिल्कुल ठीक है। और मैं अय्याशी करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, इसलिए मुझ जैसे आदमी पर आप लोग भरोसा क्यों करें? तुम क्या कर रहे हो? मेरा सबसे करीबी दोस्त महमत मेरे लिए मेरे भाई जैसा ही है। मैं घूमा फिरा और इसने काम किया, सच तो सच है, मतलब मेरी आंखों के सामने इसके हाथों पर छाले पड़े, लेकिन मैंने इग्नोर किया। लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि मैंने सब कुछ खो दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि कोई भी चीज महमत से ज्यादा कीमती नहीं है। आपका मुझ पे कर्ज है, कुछ दिन की मोहलत दीजिए, और अगर मैं अदा नहीं कर सका तो कानूनी कार्रवाई कीजिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, ताकि आपको इसके बदले सोशल सिक्योरिटी के पैसे भी मिल सके, समझ गए आप लोग? सुने करीम भाई, क्या आप मुझे आरी चलाना सिखाएंगे? मुझे अपने हाथों पे छाले देखकर फखर होगा। ठीक है, आओ मैं सिखाऊं। चलो भाई काम शुरू करते हैं, आओ मेरे साथ, बताता हूँ कैसे शुरू करना है। ठीक है सनम साहब, आता हूँ। हुसैन साहब, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? आप फातिमा अपा लोगों को लेकर कहीं चले क्यों नहीं जाते? मैं नहीं चाहती कि वो लोग आज रात यहाँ रहें। अरे आलिया साहिबा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत बड़ी बात कर रही हूँ मैं हुसैन साहब,
देखें, आज शाम को यहाँ पर अमेरिका से लोग आ रहे हैं, और कहाँ ये गांव वाले। सनम मैडम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ बेचारी जज्बाती, बुरा मान गई वो। लेकिन इस मसले में मेरी सिर्फ आप मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसे मत देखें, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं की हुसैन साहब। आपको आज शाम इन्हें घर से लेकर जाना होगा। लेकिन आलिया साहिबा, मुझे ये बताएं मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ क्या? आप कैसे इंसान है कैसे नहीं, मुझे नहीं सुना है। आज शाम मुझे ये लोग घर पे नहीं जाएंगे, समझे आप? आखिर को खानदान की इज्जत का मामला है। बहुत वक्त जाया कर दिया है, अब चलो। बहुत सस्तो तुम लोग, जल्दी करो, जल्दी करो। जी 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 हुसैन साहब। फातिमा साहिबा, टैक्सी की क्या जरूरत है? देखें, आपको जहाँ भी जाना है मैं अपनी गाड़ी में आप लोगों को छोड़ दूंगा। अरे नहीं, आपको जहमत होगी। अरे कैसी जहमत प्यारी नंद, छोड़ देंगे ना ये आपको। प्यारी नंद, मुझे कहा? ठीक है, इन्हीं के साथ चलते हैं, अब टैक्सी कहाँ से लेंगे? चुप रहना, चले। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, आता हूँ। जरूरत होती है तुम यहाँ नहीं होते, और जब जरूरत ना हो तो साहब ऑफिस में हर जगह नजर आ रहे होते हैं। मिस्टर रोजान, आप इतने सुकून में क्यों हैं? कहाँ थे आखिर आप? कुछ काम था। इस जगह से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या काम हो सकता है? वर्कर्स का मामला कैसे हल होगा? वो हल हो चुका है सनम साहिबा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? देखो सनम, आखिर तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? हमारे दरमियान जो भी मसला था, मेरे ख्याल से वो अब हल हो चुका है। लेकिन तुम अभी ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने फिर कुछ कर दिया। तो तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है? हाँ, मैं वाकई नहीं जानता मैंने क्या कर दिया आखिर। तुम जानते हो तुमने क्या किया है, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं जानती हूँ सब। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? जो कहना चाहो मुझसे ओपनली कह सकती हो। नहीं, कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा हूँ। तुम निकाल कर दिखाओ मुझे। चाहो तो सिक्योरिटी वालों को बुला सकती हो, लेकिन उसके बाद मेरा और तुम्हारा सामना जिंदगी में कभी नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है मुझे अभी जानना है। बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूँ फौरन। क्या अब तुम यहाँ गुंडागर्दी करोगे? फिक्र नहीं करो, वक्त आने पे सारी बातें कर ली जाएंगी, लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है। शाम को मिलते हैं। शाम को मिलते हैं मैंने कहा। मुझे यकीन है आज की शाम बहुत अच्छी गुजरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फैमिली के यहाँ आने की कितनी खुशी है मुझे। मुझे यकीन है कि वो यहाँ आकर बहुत ही खुश होंगे। ऐसा ही होगा। ऐसा करते हैं, उन्हें कॉल या मैसेज पर एड्रेस भिजवा देते हैं, प्रॉब्लम ना हो। नहीं नहीं, आरजू साहबा के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे वो लोग, सही टाइम पे आएंगे, बिल्कुल फिक्र ही नहीं कीजिए आप। फातिमा साहबा क्या वापस नहीं आई? हाँ, उन्हें कोई काम था ना, तो हुसैन के साथ भिजवा दिया है मैंने। खाने तक आ जाएंगे। जरूर आ जाएंगे वो लोग। गुड। इससे अच्छा था कि टैक्सी में आ जाती, इतनी देर में फैजान तो पहुंच जाती। फातिमा साहबा, आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ पहुँचा दूंगा, जहाँ भी बोलेंगी आप, फैजान तक। पापा चलो, तुम लोग भी अभी जल्दी चलो, उसे ढूंढना है, कहाँ होगा वो। वेलकम, बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आसुदे। मैं हूँ आलिया। मेरी अम्मी। कैसी हो? मैं कामरान। वेलकम, मैं ज़ैनब हूँ। हेलो, खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी हैं? वेलकम सर। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। मेरा नाम रफीक है। आलिया प्लीज चलिए। दादी जान, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह जबरदस्त हूँ मैं। तुम्हारा दादा रफीक कभी मरा नहीं है, फिक्र ना करो बेटा। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं दादा जान आप। शुक्रिया। प्लीज अंदर चलिए, ये भी रख दीजिएगा। अरे तो कहाँ है हमारा उजान बेटा? है। सलाम अलैकुम, खुश आमदीद। शुक्रिया। चलो आप मेरे सामने सलूट की पोजीशन में खड़े हो जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट, बाजू सीधे,
पेट अंदर, चलो सलूट करके दिखाओ, चलो करो। हाय माशाल्लाह, कैसा प्यारा लग रहा है। हाय, औजान को तो आपके पास छुड़वा देना चाहिए, बिल्कुल पक्का फौजी बना देंगे इसे आप। क्या इस नौजवान को अभी भी डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है? अरे नहीं, मैंने तो यही कहा था, बात पकड़ लिया आपने। हाँ, सीधे खड़े हो जाओ। अटेंशन, मजाक कर रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ बेटा। कैसा लगा? चलो आ जाओ, आओ मेरे साथ आ जाओ। अरे दादा जान, आप तो बिल्कुल नहीं बदले। आलिया साहिबा, आपका घर तो निहायत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। आप लोग पूरा घर देखना चाहेंगे? ये है मेरा बेडरूम, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, मेरे शौहर ने हर चीज बड़े अरमानों से बनाई है। ये है हमारे मेहमानों का कमरा, ये वाला मेरी बेटी का कमरा है, ये रास्ता बाहर कॉरिडोर में जाता है, ओरिजिनल पेंटिंग है। ओरिजिनल जी, अच्छा है। लेकिन पता नहीं मुझे ये घर क्यों जरा छोटा लग रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं, नीचे के फ्लोर पर 8 कमरे हैं सिर्फ, ऊपर वाले फ्लोर पर भी 8 रूम्स हैं। इतना बड़ा घर इस्तांबुल में अफोर्ड करना मुश्किल है। अरे मैंने तो मजाक किया था, मजाक। अरे आप तो बहुत ही मजाया हैं दादाजी। ये वाली भी ओरिजिनल है, ओरिजिनल। मैं समझी थी कि तुमने मेहमत को भी बुलाया होगा। हाँ बुलाया था, लेकिन उसे लगा शायद लोग ज्यादा होंगे, जैसे हो सकता है तुम्हारे स्पेशल गेस्ट भी आ रहे हों, इसलिए शायद नहीं आया होगा। स्पेशल गेस्ट मतलब? क्या ऊपर है कोई? मेरे कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। आप कहें तो कॉल करूं उसे? करो करो, तुम कॉल करो, देख लो। ट्राई करता हूं। कॉल करो। मुस्कुरा भी लो, थोड़ा तो मुस्कुरा यार। फौरन से पहुंचो बेटा। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो यार, उस लड़की ने खुद पूछा तुम्हारा। देखो मेरे भाई, ये स्पेशल गेस्ट वाली बात को यहीं खत्म करो, समझ गए? सच कह रहे हो यार, तुम बस अपने भाई पे भरोसा करो, आ जाओ। वैसे तुम भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं हो मेरे भाई। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। आ रहा है वो। आइए टेबल पर चलते हैं। बिल्कुल, आलिया साहब ने बहुत मेहनत से डिनर तैयार किया है, कहीं ठंडा ना हो जाए। ये तो रजब के गाने की आवाज है। कहा है? हाँ, चलो देखते हैं। हाँ? क्या गाता है रजब। बाकी में यार, ये बच्चा बड़ा फनकार है, बिल्कुल दिल से गा रहा है, दिल से। Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. 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 Dost, hikmet ve ismet. फातिमा अम्मा, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरे बेटा, यहाँ पर एक जिद्दी दुम्बा है, उसे देखने आए थे हम, तुम्हें दिखा कहीं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ 2 दिन से हूँ, मुझे तो कोई दुम्बा नजर नहीं आया। बेटा क्या तुम कभी अपना चेहरा आईने में नहीं देखते? आप मुझे कह रही हैं मैं हूँ वो दुम्बा? क्या फिर से बजाऊं मैं? बजाओ बजाओ। और गाऊं भी? गाओ यार। आयशा गुल, जरा जाना देखना कौन है दरवाजे पर। हाँ, मेहमत होगा, मेरे भाई जैसा है।
कितना अच्छा लग रहा है इतने यंगस्टर के साथ बैठ के डिनर करना। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। गुड इवनिंग, माफी चाहता हूँ कि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। तुम वहाँ कोने में खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम मेहमत है ना? जी जी मेहमत। एक टांग ऊपर करके 15 मिनट वहीं खड़े रहो, फिर आइंदा कभी भी लेट आने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ बेटा, टांग ऊपर करके खड़ी हो जाओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ बच्चे के साथ। मजाक कर रहा हूँ बेटा, यहाँ आओ मेरे पास, आओ मेरे पास आके बैठो, आ जाओ बेटा। खींचो कुर्सी, यहाँ आकर बैठो, आओ। बैठो। उजान, देखो इंसान की जिंदगी में सबसे अहम उसका दोस्त होता है। हर कोई उसे छोड़कर जा सकता है, लेकिन उसका दोस्त हमेशा ही उसके साथ रहेगा। उजान जी। रफीक साहब, ये सही नहीं है। तुम कहो कि ऑर्डर कीजिए रफीक साहब, ठीक है? अरे दादा जान, तुम बीच में ना आओ पोती, ना आओ। ऑर्डर कीजिए रफीक साहब। हो गया, शाबाश। ओजान चलो आप कोई गाना सुनाओ, म्यूजिक बजाओ, हमारा मूड अच्छा करने की कोशिश करो, क्या ख्याल है? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जनाजे के बाद हम खाने पर आए हैं। चलो गाना सुनाओ, गाना। वो बात ये, ओजान को गाना वाना बिल्कुल नहीं आता, बचपन से ही ऐसा है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इसे। बाबा जान, हाँ? अब आप ज्यादा जिद ना कीजिए। कैसे हो सकता है, जब हमने एक बात कह दी तो वो करनी पड़ेगी। चलो अब सुनाओ, चलो हम सुन रहे हैं, अब शुरू करो, चलो गाओ। चलो अजान सुनाओ।